बड़ी खबर आ रही है बड़ौदा उपचुनाव को लेकर। आपको बता दें कि बड़ौदा उपचुनाव के लिए सुबह से ही वोटिंग जारी है। दोपहर 2:30 बजे तक 34.67% वोटिंग हुई है। वोट डालने के लिए लोगों की लंबी लाइनें लगी हैं। आपको बता दें कि इनेलो प्रत्याशी जोगेंद्र मलिक ने भी मतदान किया। कांग्रेस उम्मीदवार शाम 4 बजे वोट डालेंगे। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि पोलिंग बूथ पर कोविड प्रोटोकॉल का भी खास ध्यान रखा जा रहा है।